2005 की वो फिल्म जिसमें सदा बनी सनी देओल ने मारी दहाड़, फिर भी हुई डिजास्टर, लगा था फ्लॉप, हीरो का ठप्पा। सनी देओल के पिछले साल गदर 2 देश और दुनिया में गदर मचाया। इस फिल्म ने उन्हें साल 2001 वाला स्टारडम फिर से दिलवा दिया। साल 2001 में जब गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई तो सनी देओल ने महीनों तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया था। सनी देओल के इसके बाद उन्होंने इंडिया मा तुझे सलाम, द हीरो, लव स्टोरी ऑफ स्पाई जैसी फिल्मों की। इन फिल्मों ने उन्होंने बड़े पर्दे पर स्टार बनाए रखा। लेकिन साल 2005 में आई एक ऐसी फिल्म जिसमें गदर की तरह दूसरी बार किसी सदा वाले कैरेक्टर में दिखे, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हुई। सनी देओल की गदर जितनी बड़ी ब्लॉकमास्टर हुई, यह फिल्म उतनी बड़ी डिजास्टर साबित हुई। फिल्म में सनी देओल ने निहाल सिंह नाम के शख्स का किरदार निभाया जो पंजाब पुलिस में एक कांस्टेबल है। फिल्म का नाम जो बोले सोनिया है। यह फिल्म काफी विवादों में रही। मेकर्स और सनी देओल पर एक खास धर्म के लोगों की भावना को आहत करने के आरोप भी लगे। फिल्म का काफी विरोध भी हुआ था। सनी देओल का किरदार निहाल सिंह की लाइफ में तब टर्निंग पॉइंट आता है जब उसकी कैद में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी भाग जाता है। निहाल को सस्पेंड कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उसके गांव वाले भी उससे देशद्रोह का आरोप लगाकर बहिष्कार करते हैं। निहाल सिंह फिर आतंकवादी को वापस पकड़ कर लाने की कसम खाता है। फिर वह अमेरिका पहुंचता है और आतंकवादी रोमियो को पकड़ने के चुप्पी में लगता है। इस दौरान सनी देओल की दमदार आवाज में डायलॉग और फाइट सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। फिल्म को राहुल रावेना ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी ना तो क्रिटिक्स को रास आई और ना ही ऑडियंस को भी। सनी का सरदार वाला कैरेक्टर भी फिल्म को सक्सेस नहीं दिला सका। कंट्रोवर्सी जुड़ी होने के बावजूद जय फिल्म की कई जगहों को हड़क गई गई। इसके बाद सनी देओल सिवाय अपने और अगला यमला पगला दीवाने की कोई भी हिट फिल्म नहीं दी। 2019 तक उन्होंने लगभग किसी 20 फिल्मों में काम किया और सभी फ्लॉप और डिजास्टर साबित हुई। साल 2022 की चुप्पी कुछ खास कमाई नहीं कर सकी, लेकिन क्रिटिक्स को फिल्म खूब सराही गई।